ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि अब नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आदर्श नगर से मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ये दूसरी लिस्ट सामने आई है जिसमें ये नए नाम सामने आ गए हैं। मंगोलपुरी की अगर बात की जाए तो मंगोलपुरी से भी राकेश जाटव को टिकट दिया गया। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह अब चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। लगातार ये नए नाम सामने आए हैं। पटेल नगर से प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं पटपड़गंज से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट जारी की है। बता दें कि तिमालपुर से सुरेंद्र पाल सिंह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट साझा कर दी है। रोहिणी से प्रदीप मित्तल आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मादीपुर से राखी बिड़ला आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनकपुरी से प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से आज ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है। जहां बिजवासन से सुरेंद्र चुनावी मैदान में है, पालम से जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। ये मुख्य जगह आपको बता रहे हैं। देवली से प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। त्रिलोकपुरी से अंजना परचा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। कृष्णानगर से विकास बग्गा आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे, ये दिल्ली में दूसरी लिस्ट आज जारी की गई है। जहां गांधीनगर से नवीन चौधरी को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ये दूसरी लिस्ट है। शादवा से जितेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आज ये लिस्ट जारी की गई है। पटपड़गंज की जगह अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुंडका से जसवीर कालवा को टिकट दिया गया है। नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। आदर्श नगर से मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आज ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और आज इस दूसरी लिस्ट में 20 नामों को शामिल किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया की जो चुनावी जगह है उसको भी बदल दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 20 लोगों के नामों का आज ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आज ये प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय मोड में है। और इससे पहले 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और अब आज दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 20 नाम शामिल किए गए हैं। रोहिणी से प्रदीप मित्तल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मादीपुर से राखी बिड़ला आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है। तमाम ऐसे नाम हैं जो आम आदमी पार्टी की लिस्ट में आज शामिल किए गए हैं। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही बड़ा अपडेट भी आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो बदल दी गई है और बिजवासन से अब सुरेंद्र चुनावी मैदान में है। पालम की बात करें तो जोगिंदर सोलंकी को वहां से टिकट दिया गया है। देवली से प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। त्रिलोकपुरी से अंजना परचा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है। ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 20 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है।